एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसे दैवीय आपदा समझकर बच्चों का नाम कोरोना के नाम पर रख रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर जिले के आनंदपुरी मोहल्ले का है, जहां एक घर में बच्चे के जन्म लेने पर लोगों ने बच्चे का नाम कोरोना कुमारी रख दिया। नवजात बच्चे के परिजनों की माने तो कोरोना वायरस महामारी के साथ ही एक दैवीय प्रकोप भी है, जिसे छुटकारा पाने के लिए बच्चे का नाम कोरोना कुमारी रख दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। देश का हर इंसान कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो वहीं इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी को दैव्य शक्ति बता रहे हैं। इस महामारी को दैव्य शक्ति मानकर जन्म लेने वाले बच्चों का नाम भी कोरोना वायरस, लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू रखने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया, जहाँ जन्म ली नवजात बच्ची का नाम घर वालों ने कोरोना कुमारी रख दिया है। पूरा विश्व कोरोना को महामारी बता रहा है, हर कोई इसे निजात पाना चाहता है, लेकिन मुजफ्फरनगर के इस परिवार का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ दैवीय शक्ति भी है, इसलिए इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए घर वालों ने बेटी का नाम कोरोना कुमारी रख दिया। है बेटी का कोरोना कुमारी, तो कोरोना कुमारी क्यों नाम रखा? यादगार के लिए, ये यादगार रह गया, ऐसे दिन देखने को मिल गए। कोरोना से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिन की खोज जारी है, लेकिन परिवार के सदस्यों की अलग ही राय है। नवजात बच्ची की बहन का कहना है कि देश में फैले कोरोना वायरस से लोगों को ठीक करने के लिए बहन का नाम कोरोना कुमारी रखा गया है। बच्ची के जन्म लेने से घर में सभी लोग खुश हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए हमने अपनी छोटी बहन का नाम कोरोना कुमारी रखा है। कोरोना कुमारी घर की तीसरी बच्ची है। दादी का कहना है कि बच्ची ने लॉकडाउन के समय जन्म लिया है और देश में कोरोना फैला हुआ है, इसलिए बच्ची का नाम कोरोना कुमारी रखा गया, ताकि कोरोना वायरस को यादगार बनाया जा सके। हमारे लड़की ने कल सुबह 7:15 जन्म लिया, उसका नाम कोरोना कुमारी रखा गया, और घर का माहौल सही है। ऐसा नहीं कि भाई कोई थोड़ा सा वो हो जाए, गुस्से वाली बात है, तीसरी लड़की हुई ना। कोरोना ही क्यों रखा नाम आपने? कोरोना ही रखा कि, और लॉकडाउन के टाइम पे हुई, कोरोना का बुखार चल रहा, इसलिए लोग कोरोना कुमारी रखा, यादगार रहे इस चीज की। इस महामारी के दौर में लोगों में तेजी के साथ भ्रम भी फैल रहा है। जहाँ पूरा विश्व इसे छुटकारा पाना चाहता है, तो वहीं कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कोरोना वायरस को दैवीय शक्ति मानकर इसे यादगार बनाकर रखना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर से प्रवेश कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।